दहशत के खेल में अपने बदन का चेहरा खून से रंग देते हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, बदन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। अलवकार किताब के वर्ड वर्ड पर इस वतन से की जाने वाली हमारी बेवफाइयों की शर्मनाक दास्तां थी। अलवकार बेवफाई की दास्तां तो बड़े सगीर से ही शुरू हो गई थी कि हम मुसलमान होते हुए भी पाकिस्तान का बन जाना उम्मत मुसलमा के मफाद में समझते हुए भी हमने तकसीम की मुखालफत की, मगर जब देखा कि पाकिस्तान तो बन गया है तब हमने मुनाफ़त की आला मिसाल कायम की। पाकिस्तान आ गए, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो गए और यहाँ तक के मुहब्बुल वतन बनकर यहाँ पर असद अपने नाम लिखवाए। और दूसरी तरफ वो लोग जो वतन की मोहब्बत में हिजरत करके आए थे, उनके मुहाजिरीन के कैंपों में घुसकर उनकी इज्जतों को कैसे ताराज किया गया, वो खुले आसमान तले कैसे अपनी बीमारियों से लड़ते रहे, कैसे सिसक सिसक कर उन्होंने अपनी जिंदगी के दिन काटे, ये बताने के लिए काफ़ी है। ऐ वतन, हम तेरे गुनहगार हैं। हम तो वो कौम है जिनको वहशत में दरिंदे भी देखकर शर्मा जाए कि 14 अगस्त के दिन मीनारे पाकिस्तान में सबक लिबास में एक औरत को देखकर उस पर टूट पड़े। हम तो वो भेड़िए हैं जिनसे राह चलती औरतें भी पना मांगती हैं। हम इस धरती की हिफाजत क्या करेंगे कि हम पाकिस्तान का नक्शा ऐसा शाया करते हैं जिसमें हम खुद अपने शहर कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाकर अपने मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हैं। अलवकार, हम तो वो लोग हैं जो अपना यौम आज़ादी बाजे बजा कर मनाते हैं। वतन की आंखों से खून टपके बजाओ बाजे, घरों में फाकों का नूर चमके बजाओ बाजे, तुम्हारी गर्दन गाड़े खड़ा है दुश्मन किस्म लगके बजाओ बाजे। अलवकार, सड़क पे एक हादसा होता है, तमाशा देखने वाले कई मगर बचाने वाला कोई नहीं। अलवकार, एक शहरी को सरेआम लूटा जाता है, गुजरने वाले कई मगर बचाने वाला कोई नहीं। अलवकार, हम तो वो जालिम लोग हैं जो अपने बुजुर्गों की दी गई कुर्बानियों को अपने पैरों तले रौंद कर हम पड़ोसी मुल्क की फिल्मों और ड्रामों की रस्सियां हैं, जबकि हम जानते हैं कि भारत सिनेमा से पैसा कमाता है, उसी पैसे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। फिर भी ना हमारे दिलों से शाहरुख खान का दर्दे डिस्को ना सलमान खान का फुटबुट दबंग जाता है। अलवकार, मैं इन दलाल की रोशनी में अहमानों से ये मुतालबा करता हूँ कि इस करारदाद को मंजूर करके सच्चाई का बोल बाला करें। बहुत शुक्रिया।